अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। सरकार शराब पर मेहरबान है और जनता इसे लेकर हलकान। मेरठ के जागृति विहार में पिछले करीब एक माह में यह दूसरा मामला है जब वहां शराब का ठेका खोल दिया गया और क्षेत्रीय महिलाओं ने इसका खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। भारी विरोध के बाद एक ठेका बंद कर दिया गया जबकि दूसरे को लेकर जद्दोजहद जारी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ठेका खुलने से आसपास के माहौल रहने लायक नहीं रहेगा। आए दिन यहाँ झगड़े फसाद होंगे और मारपीट की घटनाओं में इजाफा। भारी भीड़ जमा होने पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन महिलाएं नहीं मानी। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने इशारों में यहां तक कहा कि अगर कोई परेशानी है तो यहां धरना प्रदर्शन करने से कोई लाभ न होगा, ऐसा कुछ करना है तो कहीं और किया जाए। इशारा जिला प्रशासन की तरफ था। दो दिन पहले CEO को यह कहते हुए भी सुना गया कि DM अगर मौखिक आदेश देंगे वहाँ तैनात होने का तो वह नहीं मानेंगे, लिखित में आदेश जारी होगा तभी वह उसका पालन करेंगे। शराब और शराब की बिक्री को लेकर सरकार कितना मेहरबान है इसका अंदाजा लॉकडाउन में खुली शराब की दुकानों को देखकर लगाया जा सकता है। वर्तमान में हालात यह है कि 2 दिवसीय लॉकडाउन में भी दवा व दूध के साथ शराब की दुकानों को भी बंद से मुक्त रखा गया है। यह बात और है कि सरकार की यह उदारता उन लोगों के लिए गले नहीं उतर रही है जो शराब से दूर है। हाँ, गले तर करने वाले बल्लियां उछल रहे हैं। मेरठ के जागृति विहार में आज भी सेक्टर 6 में खोले गए शराब के ठेके का स्थानीय नागरिकों ने जमकर विरोध किया। सामने पड़ने वाले इस ठेके का जाने माने नेत्र सर्जन डॉक्टर गौरव मिश्रा भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ठेके के कारण लोगों को खासी परेशानी होगी, महिलाओं का भी उधर से निकलना दूभर हो जाएगा। आइए देखते हैं CEO व डॉक्टर गौरव के बीच हुई बातचीत। जिलाधिकारी के आदेश से खुलती है। सचिन जी, आपने खुलवाई है? जिलाधिकारी वही तो हमें आश्वासन दे, ये सभासद देंगे। आगे तो परमिशन ग्रांट करता है ना? नहीं, जिलाधिकारी करता है। ठीक है सर, लेकिन जो ऑर्डर वगैरह आप निर्गत कर रहे हैं, फिर भाई आप लिखित की बात कर रहे हो, उन्होंने मौखिक अगर हमसे कहेंगे हम 24 घंटे यहाँ खड़े रहेंगे, हम उनसे आदेश नहीं मांगेंगे। सर, हम जिलाधिकारी अगर हमसे कहेंगे कि शराब 24 घंटे खड़े रहना तो लिखित में आदेश नहीं मानेंगे, इसलिए इनसे बात किसी भी प्रकार का उन्होंने बुलाया होगा ना? बुलाया होगा ना? पे आप नकवाल हो ना, 50 मीटर ज्यादा होगा तो कोई उल्लंघन नहीं है। ट्यूशन हमारे यहाँ ट्यूटर ट्यूशन वालों का हमारे यहाँ नियम नहीं है। मेरी पास मंदिर है, स्कूल है, अस्पताल है जी, मेरे पास सुनिए, निवास का सर कोई नहीं, रेजिडेंस कॉलोनी का कोई गेट अगर होगा, गेट नहीं, नहीं भाई साहब, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है मीट और शराब की भाई, आवास विकास के नियम बता रहा हूँ। तो ये आवास विकास की तो प्रॉपर्टी है, ये आवास विकास की प्रॉपर्टी है। प्लीज एक मिनट, यहाँ से नापवा लेते हैं। इस क्षेत्र के सभासद हैं, कहना है सचिन त्यागी जी हैं, ये भी हमारे प्रतिनिधि ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ऐसा नहीं है, आप इनको से पहचानते ही हैं। मैं यूनिवर्सिटी में सर सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ, सॉरी यूनिवर्सिटी में, ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन कोई नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलो कि ये भी दुकान अवैध नहीं है, सरकार की दुकान। देखिए, सरकार गलत करेगी अगर उसका विरोध होगा, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड भी है, विरोध करेंगे सरकार, और सरकार जो करना चाहे वो कर ले, वो हम विरोध तैयार रहेंगे, लेकिन विरोध के लिए हम तैयार हैं, है ना भाई साहब? किस तरीके से हमारे मोहल्ले में ऐसे बोलोगे तो हमने बंद करवा दी, जैसे आप बताओ किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बताओ। अरे हम कह रहे हैं हम बैठ जाएंगे, हमने देखो, हम सुनो, हमने आपको बोला लॉकडाउन है, हम गैदरिंग नहीं होने देंगे, आप अपनी बात शांति रखो, हमने आपसे यो भी बोला था भाई जब तक कोई हल नहीं निकलता हम इनको मना करते हैं। आज पुलिस क्षेत्राधिकारी ने इशारों में समझाने की कोशिश की कि यहाँ धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, आइए देखते हैं। यहाँ ना करके हम प्रशासन से सहयोग मांगते हैं, जो मैं आपको धरना प्रदर्शन यहाँ ना करके जो सही जगह है ये हम नहीं कहेंगे, आप कहाँ जाए वहाँ बात आप समझ में आ गई था, बस मैं आपको बंद लिफाफे का मजबूर पहचानता हूँ, ठीक है वहाँ हमारे संघ हैं।
प्रदर्शनकारियों में शामिल एक महिला ने बताया। मेरा नाम शिफाली है। आज जो आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, क्यों किया, क्या पूरा मामला है बताएं? भैया यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे बराबर में कोचिंग है, लोग बाग रहते हैं, सब लोग आते हैं निकलते हैं और यहाँ पे ये लोग शराब का ठेका खोल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में हैं। आश्रम है, मंदिर है। तो क्या आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि यहाँ से शराब का ठेका हटे, यहाँ नहीं खुलना चाहिए, कहीं और खोलिए जाके। इस चीज को लेकर आपने किसी से शिकायत की है शराब के ठेके को लेकर? इतने सब लोग इकट्ठे हुए हैं, अधिकारी खड़े हैं यहाँ पे, सबसे शिकायत ही हो रही है अधिकारियों को। अधिकारी देखिए बात कर रहे हैं अभी, अभी तो पता नहीं वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो आप क्या करेंगे? हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।